दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नागणी माता मंदिर। मंदिर के साथ पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये मंदिर दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल मंदिर के साथ पहुंच गए हैं। अब हम ये देखें, रास्ता डेंजर लग रहा है इधर से। नागणी माता मंदिर में पहुंच चुकी हूं मैं। नागणी माता का आंगन है ये, यहाँ पर ये देखें, बहुत प्यारा मंदिर है दोस्तों। अगर आप भी आना चाहें तो ज़रूर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हर कोई आ सकते हैं। यहाँ पर ज्वाला जी से कुछ ही दूरी पर है ये नागणी माता मंदिर। तो गाइस, ये जो है अभी मैं नागणी मंदिर में हूँ। ये देखिए, आप बिल्कुल दर्शन कर रहे हैं मेरे ब्लॉग और वीडियो के माध्यम से। और बहुत प्यारे व्यू है यहाँ का। थोड़ा सा यहाँ पर पंडित जी से परिचय लेंगे। कितने साल पुराना है सर ये मंदिर? सर 100 साल से ऊपर ही है। 100 साल पुराना है? 100 साल से ऊपर ही होगा। यहीं पर था ये कि कहीं आगे पीछे था? यहीं पे था। यहीं से मूर्ति छोटा सा ये था, मतलब टीन के पत्ते डालकर। अच्छा अच्छा, देखो ये माता ने ही सब कुछ इतना एरिया जो माता ने बनाया है। माता ने बनाया? माता ने बनाया। अच्छा, पहले छोटा सा मंदिर था वही, कुछ का दान है बीच में 10 पैसे। अच्छा अच्छा, ये माता ने ही अपने इतना एरिया को घूमने। सरकारी नहीं है? मिट्टी के अंदर सरकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये है, आप मेरे ब्लॉग और वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। लाइव दर्शन कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो माँ हमारी सभी की मनोकामना पूरी करें और हमारी भी कर दें। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हिमाचल के हमारे देवी देवता जो है हर कोई देश विदेशों तक देखें मेरे वीडियो के माध्यम से। तो फोटो ले सकती हूँ मैं आपका? तो यहाँ पर पुजारी जी की फ़ोटो और वीडियोस मैंने ली, क्योंकि हर कोई पुजारी के साथ महामाई के भी दर्शन कीजिए। और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये है गणपति, नमो गणपति जी की तस्वीर है ये, ये देखें। और ये महादेव जी के दर्शन बाहर बिल्कुल सामने हैं। और कार्तिक स्वामी जी गणपति नमो, तो सामने जो है भोलेनाथ बैठे हुए हैं ये देखें। हर हर महादेव। तो ये थोड़ा सा पौड़ियों चढ़कर ऊपर हैं, शिवलिंग बनाई गई है, साक्षात दर्शन कर रहे हैं आप। ये देखें, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ। दर्शन कीजिए क्योंकि यहाँ पर साक्षात दर्शन है। और पानी जो है वो नेचुरल है, अपने आप ही निकल रहा है। देखो कितनी प्यारी व्यू है और खूबसूरत व्यू है।
साक्षात दर्शन कीजिए दोस्तों। ये देखिए भोलेनाथ की जटाओं से किस तरह से जो है पानी निकल रहा है। नागली माता मंदिर है ये। महादेव जी के दर्शन जरूर कीजिए और हर हर महादेव जरूर लिखें। और ये मंदिर के आसपास की जगह है और सामने मंदिर है नीचे। और ऊपर शिव जी हैं साक्षात, आपने देखे हैं। ये देखिए नागनी माता, तो यहाँ पर इस तरह का व्यू है। ये देखें ये सड़क आई है नीचे से, लेकिन हमने नीचे ही लगाई है गाड़ी। तो ये यहाँ पर शादी विवाह भी होते हैं ये देखें। और ये शनिदेव मंदिर है सामने आपके, जय शनिदेव। तो आप ज़रूर दर्शन करेंगे शनिदेव जी के। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जी। सभी मनोकामना पूरी करेंगे शनिदेव जी। तो यहाँ का बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। ये तो मंदिर है और बाहर बजरंगबली भी है और ये देखें ये आसपास की जगह है। यहाँ पर शादी विवाह किए जाते हैं। यहाँ पर अगर कोई करवाना चाहे शादी विवाह तो किसी कारणवश घर में ना हो तो यहाँ पर किए जाते हैं। और ये यहाँ पर इस तरह का व्यू है ये। तो ये पंडित जी हैं और यहाँ पर देखो बर्तन वगैरह किस तरह से बाहर ही रखे हैं। माता अपने आप रक्षा करती है, कोई ताले नहीं लगे हुए हैं। ये देखें ये इस तरह का व्यू है यहाँ का। और अब चल पड़े हैं हम वापस दर्शन करके, और ब्लॉग व्लॉग बना दिया है यहाँ पर। तो अब नीचे उतर आए हैं। तो यहाँ पर आप सभी को एक बार भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। जय हो हर हर महादेव। तो दोस्तों इस तरह से हैं अब हम, ये मंदिर है और अभी हम चल पड़ेंगे वापस। तो दोस्तों यही था, ये है नागनी माता मंदिर जो आप देख रहे हैं पाली साइड को, और बाकी ऊपर तो मैंने दिखाई दिया है आपको। और माता मंदिर से आ चुके हैं हम, अब जा रहे हैं वापस। नहीं हर हर महादेव। तो गाइज ये है रास्ता नागनी माता मंदिर जाने का, और हम आ चुके हैं वापस। अभी माथा टेक के रोड में पहुंचने वाले हैं। तो कुछ ही दूरी पर है ये, रोड से ऊपर भी जाता है, लेकिन हम थोड़े से नीचे ही रुक गए थे। तो अब हम यहाँ से चल पड़े हैं। ये सामने का व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये देखें थोड़ा सा जंगली जानवरों का डर है यहाँ पर, बाकी तो बहुत बढ़िया है। शांत वातावरण है यहाँ का, बहुत बढ़िया। नागनी माता मंदिर से थोड़ा सा पीछे है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। ये बिल्कुल नागनी माता मंदिर के सामने का व्यू है ऊपर वाला, और ये है इधर का नीचे वाला आसपास का व्यू इस तरह का है यहाँ का।
हिमाचल के खूबसूरत वादी। काफ़ी घना जंगल है, जब भी आप दर्शन करने आए, दिन दिन को आए, नहीं तो यहाँ पर तो भालू भी मिल सकते हैं, बहुत ही घना जंगल है। तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करना, और मेरे चैनल पर न्यू है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। तो अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जब भी आप दर्शन करने आएँ दिन दिन को आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल है, आपको जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। तो आपको आपने दिन दिन को आना है और दिन दिन को दर्शन करने हैं। काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ से, ये देखें, वाव। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की समाप्ति यहीं करूँगी और हम यहाँ से अब चल पड़े हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। तो दोस्तों मिलेंगे हम दूसरे ब्लॉग